क्लास नहीं होगी ऐसा हो सकता है क्या? क्लास नहीं होगी ऐसा हो सकता है। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं सभी को कि दुनिया में सब कुछ चलेगा, लेकिन ये जो क्लास है रात का, ये क्लास कभी बंद नहीं होगा। दुनिया में सब कुछ बंद होगा वो मंजूर है, दुनिया में सब कुछ बंद होगा ये मंजूर है, लेकिन 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 रात को 10 बजे वाली वाली क्लास बंद हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? जिस प्रकार COVID-19 था, ठीक है, लोगों को सारी सुविधाएं दी जा रही थी, उसी प्रकार सारी क्लासेस आपको, जब मैंने कोविड में नहीं क्लास बंद किया तो अब क्या करूं मैं बंद कर, राइट है ना? हाँ, कभी कभी कोई इश्यू हो जाता है तो क्लास बंद हो जाता है, क्लास स्टक हो जाता है। सभी लोग सेशन को लाइक करिए, कमॉन 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 कमॉन, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे क्लास में लाइव हो चुके हैं। कमॉन 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 कमॉन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। वेरी गुड आशु मैग्नेटिक अभिषेक, सुन आप लोगों ने देखा होगा कल वाला सेशन कैसा लगा। सचिन भारद्वाज, अंशु नामदेव, अजय पटेल, प्रिया गौतम, पूजा दर्शनाथ गुप्ता, रिचा शुक्ला, सुश्री गुलाम, अविनाश, आप लोग किस किस स्टेट से हैं, किस किस जगह से हो, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ठोक दो, कमेंट सेक्शन में लाइक, और चैट सेक्शन में बता दो कि यस आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम पंजाबी, कहाँ से हो भाई, कित कित जगह से हो। नंदिनी कहाँ से हो, मजेदार। चलो देखो, हम लोग आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे प्यारे बच्चे, यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी बड़ी खुशखबरी है। बाकी आपको अनअकैडमी पे ज्वाइन करना हो कर लेना, इतने सारे टॉपर्स निकल रहे हैं, उसमें आपका भी नाम आ जाएगा अगली बार भी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आप IAS क्यों बनना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर? मेरा तो सपना था यार IPS ऑफिसर बनने का, लेकिन मैं नहीं बन पाया, ठीक है। तो नहीं बन पाया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बनना नहीं चाहता था, ठीक है, बनना तो बहुत चाहा लेकिन बन नहीं पाया, ठीक है। आपका क्या सपना है, किसका क्या सपना? मुझे IAS उतना अच्छा नहीं लगता, मुझे IPS अच्छी लगती है, ठीक है। तेलंगाना हिमाचल से है, सर मैं बिगनिंग हूँ UPSC में, यही मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए है। गौल्डी श्रीवास्तव, अजय पटेल, हिमाचल से हूँ सर। सभी लोग भाई, सब लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। एक बात और बता दूं, ये फ्रीडम फेस्टिवल ऑफर है, 50% का है, राइट, आप इस कोड को यूज करके ज्वाइन कर लेना। और एक बार और आज कह देता हूँ, ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको केवल और केवल अनअकैडमी से ओनली यू वॉन्ट टू डू CSAT, कितने ऐसे बच्चे जो केवल CSAT करना चाहते हैं, ओनली आप CSAT करना चाहते हैं, जो आप ओनली CSAT करना चाहते हैं अकेडमी से, प्लीज आप वो टाइप करें। कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल CSAT करना चाहते हैं अन अकेडमी, नॉट GS VS कुछ भी नहीं कर रहे, केवल आपका इंटरेस्ट CSAT में। सर आज लाइक नहीं करेंगे, सर बहुत वेट करवाया आपने सर टाइम, बेटा मैं क्या बताऊं, राइट है ना, बिकॉज आई वॉन्ट टू। अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे ओ टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो जो भी बच्चा अनअकैडमी से करना चाहता है, ठीक है ना, है ना, केवल CSAT रहना, उसके लिए बहुत ही मिनिमम फी में, ठीक है ना, देखो मिनिमम फी में 14 अगस्त से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट है ना, ये आपका 5 या 6 अक्टूबर तक का ये कोर्सेस है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, नहीं दिसंबर तक का है, सही है, दिसंबर तक का है, ठीक है ना, आप देख लेना, ये कंप्लीट कोर्सेस है बहुत मिनिमम फी के साथ। आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, वहां पे आपको लिंक टेलीग्राम पे हो या चाहे मेरे आप व्हाट्सएप पे हो, उसको ज्वाइन करके फटाफट आप सभी लोग उसको लॉक करा लेना, क्योंकि ओनली 1000 सीट्स था, राइट है ना, 200 सीट्स 200 250 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, मिनिमम सीट्स बचा हुआ है। तो आप जो भी एनरोल करना चाहते हो, केवल और केवल आपको CSAT मेरा मिनिमम कोर्सेस में मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम लिंक पे। अब कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि फ्री में पढ़ाऊंगा, भाई फ्री में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे 3 से 4 महीने में मुझे डेली यूट्यूब पे नहीं आना है, अपना टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं, जिसकी कैपेसिटी है पेइंग कैपेसिटी, जो पे कर सकता है वो आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर मैं ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ, सर मैं आपका वीडियो देखकर ही CSAT की तैयारी करता हूँ। जिसका भी हो मन में हो, फी बताइए सर, फी तो है ना, फी बताऊँ क्या, फी बहुत कम है, एक बार दिखा देता हूँ, फी लास्ट में बता दूंगा, फी ओनली अराउंड शायद करी, मतलब अभी तो फी ऐसे ऐसे फी बता देता हूँ, फी जो है ना, मैं आपका फी आपको बता, देखो
फी जो है आपको मैं बताऊं, इसका जो फी है वो फी है आपका 15,000, ठीक है। लेकिन मैंने केवल और केवल 1,000 बच्चे के लिए फी अभी आपको 7,900 शो कर रहा होगा, लेकिन जब मेरा कोड वहां पे यूज करोगे SK10, ये फी आपको 6,399 में दिखेगा। केवल ये केवल 1,000 स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये ध्यान रखना, 1,000 स्टूडेंट्स के लिए, जिसको भी करना हो है ना आप कर लेना, जिसको भी करना है। बाकी यहां तो मैं आ ही रहा हूं, ठीक है। बाकी मेरे पास आरंभ बैचेज है, प्रतिज्ञा बैचेज है, कोई भी चीज हो। एक बात और बता दो, जो बच्चे ऑलरेडी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं, जिसका ऑलरेडी अनअकैडमी के जो सब्सक्राइबर है वो भी मेरे कोर्सेज को देख सकता है, राइट। वो भी उसको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप जो भी बैचेज कर रहे होंगे आप उसको एनरोल कर लीजिए, अभी भी जाएं, डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हो, उसको कर सकते हो, ठीक है। सर सुधीर जी कह रहे हैं फ्री और पेड में क्या डिफरेंस है? भाई साहब फ्री और पेड में वहाँ पे विद इन टाइम पीरियड में आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, आपको PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा डायरेक्टली आपको। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे मैं आपको ऐड करूंगा, वहां पे आपको पर्सनल अटेंशन जितना हो सकेगा उतना करूंगा, लेकिन यहाँ पे इतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है, मैं आ तो रोज ही आ रहा हूँ पढ़ा, लेकिन कई बार आपका मन होगा, आपने देखो कई बार आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मुझे अपने क्वेश्चन पूछ आपने शेयर किया होगा कि सर प्लीज यू कैन चेक दिस आंसर इज इट करेक्ट और नॉट, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। वो आपके लिए मैं आपको बता दिया अभी, राइट है ना। केवल 1,000 ही सीटें, 250 बच्चे ले चुके हैं, जितना जल्दी हो आप उतना ले लेना। मेरा डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक आप सबको पता है ना मेरा, ये ऑफलाइन बैचेज कोई भी सब्सक्राइब ऑफलाइन टेलीग्राम लिंक मेरा पता है ना आप सभी को मेरा टेलीग्राम का लिंक पता है, CSAT by Sanjay Kumar Sa, या जो भी टेलीग्राम में हो वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। क्लास के बाद जो है ना मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्लास के जो बाद है मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। रेडी हैं आप सभी लोग? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर IAS ऑफिसर? कल मैंने कहां तक आपको पढ़ाया था, राइट है ना। कल वाला सेशन आप लोगों ने देखा, बहुत सारे बच्चे लाइव हो चुके हैं लेकिन अभी तक सेशन को किसी ने लाइक नहीं किया। सर फ्री में फुल कोर्स करवा दीजिए सर, अहम फाइनेंस लिविंग। भाई मैं फ्री में भी करा सर, कंप्लीट CSAT का कोर्स लिंक सेंड कीजिए, है ओनली CSAT का बैच है या पूरा UPSC का? ओनली CSAT का सनोज सोनी, ओनली CSAT का है, केवल मेरा CSAT का है, ठीक है ना। अगर आप पूरा कोर्स लोगे तब भी आप मेरे कोर्स को देख सकते हो, किसी का भी अगर जो भी कोर्स आपने लिया होगा तब भी देख सकते हो, तो भी आप मेरा रेफरल कोड जो है ना आप मेरा SKS10 कोड को यूज कर सकते हो, है ना। इस कोड को आप यूज कर सकते हो, SKS10 कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो भी है ना, अगर आपको ओनली CSAT का चाहिए, तो उसका लिंक जो है आपको मेरा डिस्क्रिप्शन पर दिख जाएगा, या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी तो मेरे टेलीग्राम पे, राइट है ना। आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मेरा टेलीग्राम पे है CSAT Space by Sanjay Kumar Sa, या नहीं तो जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे हैं, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। सीधा उसको क्लिक करना है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको क्लिक करके सीधा पेमेंट करके आप कर सकते हो। फी जो है 15,000 है, ठीक है ना। अभी 1,000 बच्चे के लिए मैंने 7,999 किया था, लेकिन अभी भी आपको मेरा डिस्काउंट के साथ आपको 6,300 कुछ पड़ेगा, 6,300 करके, ये अच्छा है, ठीक है, आपके लिए जो बच्चा। बाकी मैं यहाँ तो क्लास दे ही रहा हूँ जो बच्चा, ठीक है। चलिए शुरुआत करता हूँ, बहुत कम टाइम है। यूनिट डिजिट चल रहा था सर, फी 1,000 कर दीजिए, इतना डिजर्व हो पाएगा हमसे? पूरे कोर्स की फी बताइए गोल्डी श्रीवास्तव। पूरा कोर्स तो आपको अभी डिस्काउंट पे चल रहा है ना, पूरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, जिसको भी दिक्कत हो ना मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे बात करके कनेक्ट करना, ठीक है। बिना मेरे से बिना बात किए वगैरह आप एडमिशन मत लेना, खुश। और बात क्लियर, अब टाइम करें, शुरुआत करें, बहुत कम टाइम है, शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो बहुत कम टाइम है, मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था, ठीक है। मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ा, एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था, है ना। यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट के लास्ट में कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, यूनिट डिजिट के लास्ट में क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, यही हो सकते हैं भाई साहब। अगर 0, 1 और 5, 6 होगा लास्ट में यूनिट डिजिट, उसकी पावर कुछ भी हो, इसका पावर कुछ भी हो, राइट, पावर एनीथिंग है ना, तब भी इसका आंसर क्या होगा आपका? सेम डिजिट होगा आंसर क्या होगा? या सभी लोग सर ज्यादा, बहुत सारे बच्चों का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, बताइए।
यार कोई यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर है क्या, कोई यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर है? ठीक है, हाँ बाद में, ठीक है आराम से देखिए ध्यान से, ठीक है एनीथिंग सेम डिजिट होगा, ठीक है सेम डिजिट होगा, ठीक है। और मैंने आपको 4 और 9 के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं आपको इसी का एक स्मॉल मैं आपको चार्ट देता हूँ, ठीक है, मैं आपको इसी का आपको मैं चार्ट देता हूँ, ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। ये चार्ट इसको आप थोड़ा सा इसको आप एज ए एसएसएम फंडा आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, देखो अगर आपने कल देखा होगा, कल अगर आपने बनाया होगा तब भी आज आप अभी एक बार और बनाओगे, ठीक है। मेरे साथ जितनी बार आप चार्ट को क्रिएट करोगे उतनी बार समझ में आएगा। एनसीईआरटी की भी क्लास आएगी मेरी, ठीक है, फरफराना नहीं है। जो बच्चे जिसका इंग्लिश कंपलसरी है वो भी आएगा, और जनरल साइंस की भी क्लास आएगी, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। इन सभी के लिए आपको मेरा टेलीग्राम को टेलीग्राम पे कनेक्ट होना, मेरा टेलीग्राम है सीसैट स्पेस बाई संजय कुमार शाह, इसको सर्च कर लीजिएगा, 14,500 प्लस सब्सक्राइबर है। मेरा लेटेस्ट पोस्ट देख करके आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट देखिए, यूनिट प्लेस डिजिट का चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये है आपका 9, ठीक है। आराम से देखिए, आराम से, आराम जैसे बना रहे हो मेरे बच्चे चार्ट आप वैसे ही बना रहे, ठीक है। अगर कोई पहली बार देख रहा होगा तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं जैसे बना रहा हूँ आपको वैसे ही चार्ट बनानी है, ठीक है, आपको वैसे ही चार्ट बनानी है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये 4, ठीक है, क्लियर। अब देखो 0, 1, 5, 6 होगा, तो इसका जो है आपका यूनिट डिजिट जो होगा, देखो 0 के पावर में कुछ भी हो, एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है, है ना। 1 के पावर में आपका एनीथिंग आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, सॉरी 1 होगा 1, 1, 1। 5 के पावर में एनीथिंग क्या होगा, आपका 5 होगा। 6 के पावर में एनीथिंग आंसर क्या होगा, 6 होगा। आई होप मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, आई होप मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, आई होप मुझे लग रहा है ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है सर, ये बातें क्लियर आ रही है समझ में। 0 के पावर कुछ भी हो, 0 आपका 0 होगा। 1 के सर न्यू टॉपिक स्टार्ट होंगे, 2 महीने से नंबर सिस्टम ही चल रहा है, तो भाई एक काम करो तुम इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ, तुम कहीं और से पढ़ लो, ठीक है, कोई और से। जब मुझे ही पढ़ाना है 1 साल तक सीस है, तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँ, छोड़ दूँ क्या भाई, छोड़ दूँ क्या, खत्म कर दूँ क्या, बच्चे कह रहे थे न्यू टॉपिक कब स्टार्ट होंगे, 2 महीने से नंबर सिस्टम ही चल रहा है, ये रीना की रसोई, छोड़ दूँ क्या, चलो बंद करो क्लास, फिर बंद करो, फिर छोड़ो, क्या करते हैं यार।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, टॉपिक चेंज कर देता हूँ, ठीक है, टॉपिक चेंज कर देता हूँ, टॉपिक चेंज कर देता हूँ, राइट, टॉपिक चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ आपको ऐसे, ठीक है, बट आज लास्ट हो गया नंबर सिस्टम, टुडे इज द लास्ट डे, नंबर सिस्टम इज ओवर, नंबर सिस्टम इज ओवर, नंबर सिस्टम इज ओवर। अगर तुमको पढ़ना है तो तुम हमारा पेड कोर्स में देख लेना, ठीक है, जिसको पढ़ना हो, ठीक है, नंबर सिस्टम ओवर हो गया, आज आज खत्म हो गया, आज खत्म हो गया। बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है, csat space by space संजय कुमार सा, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम नाम मिले तो एक और टेलीग्राम है, csat space portal, राइट, है ना, ये IITN सब नहीं बनाया है, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, ठीक है, आप अपना ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखो भाई, 4 और 9 हो, ठीक है ना, अगर मान लो आपका 4 हो, ठीक है, 4 हो, ठीक है, और अगर मान लो पावर में कोई ऑड नंबर है, पावर में कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है, पावर में कोई ऑड नंबर हो तो आंसर क्या होगा इसका, 4 ही होगा, ठीक है। अगर 9 हो, 9 में पावर में कोई ऑड नंबर है तो इसका आंसर 9 ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, 9 रखना, राइट। अगर कोई भी पावर, अगर इसका इवन नंबर हो, क्या हो, अगर इवन नंबर हो, ठीक है, तो इवन नंबर के लिए 10 करना है, 4 में कितना ऐड करोगे तो 10 होगा, यहाँ 6 होगा, इसका 9 में कितना, यहाँ पे इसका 1 होगा, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, एक बात मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, देखो ऑड नंबर का मतलब होता है जिसका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, और इवन नंबर का मतलब होता है जिसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, ये ऑड नंबर की पहचान है, ठीक है भाई। आपको 4 के पावर में अगर ऑड नंबर दिखा तो आंसर ठोक दो 1 आएगा, 9 की पावर में कोई भी ऑड नंबर दिखा यूनिट प्लेस डिजिट 9 ही होगा, 4 के पावर में कोई इवन नंबर दिखा तो आंसर 6 होगा, 9 के पावर में कोई भी ऑड नंबर दिखा तो आंसर आपका 1 होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, रियली आई एम वेरी हैप्पी, आपका जो प्यार मुझे मिलता है वाकई में मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मुझे लगता है मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको, ये बात समझ में आ रही है, अच्छे तरीके से आराम से समझिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यहीं पे एक और कॉलम यार यहाँ पे आपको मुझे बताना था, राइट, है ना, एक और कॉलम यहाँ पे जोड़ना था, एक और कॉलम यहाँ पे जोड़ना था, ये मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, ये 2 है, ठीक है, तो अब देखो भाई, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो, ठीक है, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 2 हो, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 3 हो, या अगर रिमाइंडर 4 हो, या यहाँ पे 0 हो, एक एक चीज़ों को देखिए ध्यान से, एक एक चीज़ों को देखिए ध्यान से, राइट, है ना, 2, 3, 7 और ये है आपका 8, बस इसको सही से लिखें, ये सही से नहीं हुआ, ठीक है, सही से नहीं, ठीक है, सही से नहीं हुआ, 2, 3, 7 और ये है 8, ठीक है, ये है आपका 8, ठीक है, अरे ध्यान से देखो, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कौन सा नंबर लो यार, ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या, इस चार्ट को पहले लिख लीजिए, इस आपको जब आपका एग्जाम होगा ना, ठीक है ना, है ना, ओके। अरे यार ये कौन है, वैष्णवी हगरंगी, ये बोल रही है सर द बार्किंग डॉग्स ऑलवेज बार्क सर जस्ट इग्नोर, नहीं ऐसे मत, प्लीज माफ करो, सबको माफ करो ना यार, सभी को माफ करना सीखो, सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस बच्चे के मन में था, उन्होंने मुझे बोल दिया, उनको पता नहीं अभी UPSC का इम्पोर्टेंस, नंबर सिस्टम कितना UPSC में इम्पोर्ट, पता है मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि इस टॉपिक को जो है ना, इस टॉपिक को मैं
पांच सितंबर तक पढ़ाऊंगा, 5 सितंबर तक, पता है। फिर उसके बाद पूरा रीजनिंग रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा था कि अक्टूबर में स्टार्ट करूंगा, 10-12 अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, बीच में अलग अलग टॉपिक्स भी आते रहेंगे, मेरे ये थॉट्स था। उसको प्लीज सभी लोग माफ करिए, सभी लोग बोलिए सॉरी, सब लोग उनसे सॉरी बोलिए, राइट, है ना। ये बच्चे को देखो, किसी को डिमोटिवेट मत करो यार, उनके मन में था उन्होंने बोल दिया, राइट। पर हमारा मतलब क्या है, जब हमें गुस्सा आया, मुझे पता है गुस्सा आता है, ठीक है ना, लेकिन क्या करें। देखो आपके लिए यार, पता है आप सबको पढ़ाने के लिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मेरी पूरी जवानी ऐसी पड़ी है, राइट, है ना। मैं भी चाहता तो अभी मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं भी मतलब अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता, अपना अपना घर में होता, लेकिन कोई ऐसा एजुकेटर है जो रात को 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे रात तक आपको पढ़ाए, कोई नहीं है, राइट। एवरीबॉडी इज बिजी विथ, मतलब कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिजी है। मुझे भी शौक है, लेकिन मैं आपके लिए करता हूँ, आज से नहीं, पिछले 3-4 साल। अन अकेडमी पे मैं बताऊँ, मुझे बड़ा गर्व होता है कि सबसे पहले नाइट की स्टडी, नाइट में टीचिंग करना मैंने ही शुरू किया, सबसे लंबी लंबी। हाँ, मुरनाल सर थे जो रात को 9 से लेकर 11 बजे तक लास्ट सेशन लेते हैं अपना इकोनॉमिक्स का, भाई साहब 11 बजे के बाद भी मैं सेशन लेता हूँ अन अकेडमी पे और यूट्यूब पे सबसे पहले। अब मैराथन सेशन का भी लंबी सीरीज मैंने ही शुरुआत किया है, ठीक है, एक जोश जुनून और जज्बा के साथ। इज इट क्लियर, है ना। उनको नो सर बट वो गलत बोली है, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए कोई बात नहीं, राइट, है ना, उनको माफ़ कीजिए सभी लोग, ठीक है। अब देखो आराम से पढ़ना पड़ेगा। देखो 2 की पावर, ये रिमाइंडर यानी 1 है ना, रिमाइंडर यानी 1 है, तो 2 की पावर 1 करोगे 2। देखो अब इसी में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक। देखो 3 की पावर 1 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, जिसमें 7 से मतलब है, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आपको 1 से मतलब, ठीक है। 7 7 1 जा 49, आपका 9 होगा, 9 7 जा 63, 63 3 7 जा आपका कितना आएगा 21। फिर से देखो 8 का 8, राइट, है ना, 8 8 जा 64 4 4 8 जा 32 2 2 8 जा 16। इसको आप एक बार नोट डाउन करो। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, एक और इसमें मैं आपको ऐड कर देता हूं जो आपको समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो मेरे प्यारे बच्चे। देखो अब इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, देखो 0156 है ना, इसमें साइक्लिसिटी का कोई मतलब नहीं है, राइट, है ना, इसमें साइक्लिसिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें साइक्लिसिटी का, इसमें, अरे यार, इसमें साइक्लिसिटी इसका जो है वो क्या होगा, 4 होगा। 4 का मतलब आपको, मतलब 4 से डिवाइड करना है, क्या करना है आपको, क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, किसमें, पावर को डिवाइड करना है, किसको, पावर को। और इसकी जो साइक्लिसिटी है, इसकी जो साइक्लिसिटी है वो क्या है आपका, 2 है, तो 2 आपको क्या करना है, 2 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है पावर को। जस्ट जब जो पावर आएगा 2 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा सीधा आप उसको कर देना, आपका आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्टली, 4 से डिवाइड बाय इट्स पावर। यस आशीष कुमार, सचिन पिंकी कह रही सर जी उधर का दिख रहा है, सच में ये नहीं दिख रहा है क्या आपको, आपको आपको दिख नहीं रहा है क्या, विजिबिलिटी पूरा नहीं हो रहा है क्या, सच में आपको विजिबिलिटी पूरा नहीं हो रहा है क्या, दिख तो रहा है, उधर वाला भी दिख रहा है, इधर वाला भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, दिख रहा है, इतना तो विजिबल हो रहा है कि जिससे कि आप कर सकते हो इतना। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। इज इट विजिबल, यस। डॉक्टर रंजीत रेड्डी, सच में सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शुभम बाला, कट जा रहा है सर, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। देखो अगर रिमाइंडर 0 होगा ना, तो इसमें पावर 4 लेना है। एक चीज और लिख दो, इसको आपने इसको नोट डाउन किया, आपने नोट डाउन किया, ठीक है, इसको नोट डाउन किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, है ना। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ आपको, राइट, है ना, इफ द रिमाइंडर इज 0, इफ, नोट लगा कर लिखिए, नोट लगा करके लिखिए, नोट लगा कर लिखिए, देखिए, इफ द रिमाइंडर इज 0, इफ द रिमाइंडर इज 0, if the remainder is 0, if the remainder is 0,
देन वी हैव टू अज्यूम, वी हैव टू अज्यूम इज द पावर इक्वल टू फोर, वी हैव टू अज्यूम पावर इक्वल टू फोर, यानी हमें अज्यूम क्या करना है, पावर क्या अज्यूम करना है, हमें फोर लेना है, ठीक है. इफ द रिमाइंडर इज जीरो देन वी हैव टू टेक द पावर इज फोर, देन वी हैव टू टेक द पावर इज फोर, देन वी हैव टू टेक द पावर इज फोर, देन वी हैव टू टेक द पावर इज जीरो. इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? सर EMI का ऑप्शन है क्या? होगा, मेरे को कॉल कर लेना होगा. शायद सारदी में कुछ समझ में नहीं आया, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आया. अब देखो एक एक करके मैं इसका आएगा. कल वाली क्लास आपने देखा होगा, मैं आपको समझाता हूँ. देखो भाई, देखो पहले मैं आपको इसको लेकर के समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा, फिर मैं आपको और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा. जैसे देखो 1, 2, 3, 0, 5 की पावर 1, 2, 3, 6 राइट, 5, 36 के पावर 5, 37, 9, 8, 0 के पावर 1000, 5000, ठीक है. बात समझ में आ रही है ना? 111 के पावर 222, 333, 444 ऐसे इन्फिनिटी. देखो इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, राइट है ना. 124 की पावर 125, 939 के पावर 456. अब देखो पहले इसको नोट डाउन करो फिर मैं समझाता हूँ. पहले आप एक बार नोट डाउन करो फिर मैं आपको समझाता हूँ. सर हिंदी मीडियम के लिए क्लास नहीं है क्या? सर धीरज गुप्ता जी, सभी के लिए क्लास है. गणेश बंधु, दिस क्लास इज फॉर ऑल. सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले. गोल्डी श्रीवास्तव, एक बार और समझाऊंगा फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, राइट है ना. सभी लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. यार AC अपने आप ऑफ क्यों हो गया? अच्छा रिमाइंडर लगा था इसलिए. देखो ये 5 है, मैंने देखो पहले चार्ट में 5 के पहले इसको नोट डाउन कर लो सर. नोट डाउन कर लिया आपका, अगर कुछ दिमाग अगर चल रहा है तो पहले एक बार सॉल्व करो. गोल्डी श्रीवास्तव, अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो बेटा पहले टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक. पहले टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, राइट. नहीं बच्चे मेरे को व्हाट्सअप पे हेलो कर रहे हैं, सभी लोग व्हाट्सअप पे हेलो कर रहे हो तो आप अपना नेम एवं जरूर बता देना, ठीक है ना. नेम, एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सब सारा कर देना, ठीक है. देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात, देखो मैं बताता हूँ, इट्स ओके. देखो बेटा, देखो देखो 5 के पावर कुछ भी हो आपका क्या होगा? 5, मैंने यही बताया. 6 के पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस 6 होगा. 0 के पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस 0 होगा. ये अगर तीनों क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन SK Stand. दैट्स विद द सिंपल पॉइंट. तीन चीजों को लेकर के, ठीक है गणेश, ठीक है. हाँ अब देखो भाई ये 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं. ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको डराने के लिए. और मैं सच बताऊं इस बार देखो UPSC का लेवल छोटा है, ये पहले ध्यान में रखना. जितना मैं करा रहा हूं ना, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका जरूर UPSC क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है. इतना ध्यान रखना, ये दिमाग में मत लेना कि UPSC को सीजेट बोर्ड ऑफ है क्या होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. समझते रहो ध्यान से. अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है तो समझ लो कि तुम्हारा सीसेट हो जाएगा, ठीक है. अब वो अलग लेवल का है कि आपको चीज़ें कैसे मतलब ग्रास्प करना है, ठीक है. 1 की पावर कुछ ही हो आंसर क्या होगा आपका? 1, सिंपल. अब देखो ये 4 है और 9 हो, 4 की पावर ये क्या है? 25 है, राइट. तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें मैंने आपको क्या बताया था? देखो ऐसे भी देखो ये 5 क्या है? 5 क्या है आपका? ऑड है ना. तो 4 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या होगा आपका? 4 होगा. 4 की पावर ऑड होगा तो आंसर 4 होगा. 4 होगा सृष्टि जयंत बेटा, ठीक है. 4 होगा. अब देखो
जैसे ये नाइन है तो नाइन की पावर में क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन है भाई। ऑड और इवन पहचानने का भी तरीका मैंने आपको बताया राइट। इसी क्लास में जो मेरा फ्री सीसैट बैच वाली जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक दिन में 3-4-5 लेक्चर देखते हुए जरूर फिनिश करते चलिए, ठीक है सर। आपको कॉल करना हो तो कौन सा टाइम पे करें, जस्ट क्लास के बाद कर लेना, जस्ट क्लास के बाद कर लेना, राइट है ना, है ना, ठीक है, क्लियर क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो 4 की पावर इवन होगा तो इसका क्या होगा, आपका होगा, ठीक है। आई होप मुझे लग रहा है कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यस नो, क्या आप सभी को समझ में आ गया, क्या आप सभी को समझ में आ गया, क्या आप सभी को समझ में आ गया। अब देखो मैं एक बात और आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसी को देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी को देखो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे 2 हो गया, मान लो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है, 497 हो गया राइट। फिर यहाँ पे मान लो आपका 7 हो गया, मान लो यहाँ पे 23 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका 8 हो गया राइट, है ना, यहाँ पे मान लो आपका 3 हो गया राइट, फिर यहाँ पे मान लो आपका 3 हो गया। अब बताओ क्या होगा आंसर, अब बताओ क्या होगा आंसर, अब बताओ क्या होगा आंसर। अब आप देखो क्वेश्चन विजिबल हो रहा है सर, पता है ऑड इवन, सीसैट रिकॉर्डेड क्लास कहां से मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी, इस पर क्लिक करोगे ना फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा राइट, है ना, फिर आपको दिख जाएगा अगर आप देखो। तो जल्दी करो, अनअकैडमी के ऐप पे भी मेरी क्लास है, ठीक है, अनअकैडमी के ऐप पे भी मेरी क्लास है अभी। ठीक है, इज इट क्लियर। देखो मैं आपको समझाता हूँ आराम से, ध्यान से देखो, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाता हूँ राइट, है ना, थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ भाई। देखो 2 है लास्ट में, साइक्लिसिटी आपको 4 बताया था, तो पावर में 4 से डिवाइड करना। ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, साइक्लिसिटी हो तो 4 से डिवाइड बाई पावर, 4 से डिवाइड बाई पावर, 4 से डिवाइड। फिर जो रिमाइंडर आएगा, यानी रिमाइंडर 1 आएगा तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4, 3, 4 जो भी आएगा, फिर 3 की पावर, ये इस तरीके से इसको ध्यान में रखना, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। देखो 4 से डिवाइड करोगे भाई, 36 में कम्प्लीटली डिविडल हो रहा है, 4 9 36, तो रिमाइंडर क्या बचा, क्योंकि 2 की पावर अगर 4 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर देखो 96 है, 4 से जब आप 96 में डिवाइड करोगे 24 96, रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, तो भाई 8 की पावर में ये वाला रिमाइंडर 1 होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, 8 होगा, ठीक है, आंसर आपका 8 होगा। फिर से देखो 23 है, 4 से जब आप 23 में डिवाइड करोगे 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो भाई साहब 7 की पावर 3 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से देखो, फिर ये 22 से आपका मतलब है, ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही डराने के लिए दिया है। 4 से 22 में डिवाइड करोगे 4 5 20, रिमाइंडर कितना है 2, तो 3 की पावर 2 करोगे कितना आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 8 है, अब देखो ये 8 है, ठीक राइट, है ना, ये देखो 5 है, 25 है राइट। 4 से जब 25 में डिवाइड करोगे 4 6 या 25, रिमाइंडर 1,
8 की पावर 1 करो कितना आंसर आएगा आपका, 8 आएगा। इसका आंसर बताओ कितना आएगा। आई बात समझ में, ऑल सॉल्व्ड। 683981 683, इसका 3 आएगा क्या? 77779, हाँ इसका 3 आएगा, 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 हाँ इसका 3 आएगा, लक्ष्मण जी उसका 3 आएगा, ठीक है। नैन्सी पटेल, पूजा, यस ठीक है, यस यस यस। क्लियर? क्लियर? इज इट क्लियर? चलो देखो, अब देखो बात आपको और समझाता हूँ, ठीक है सर जी, ठीक है, ओके क्लियर है। देखो अब देखो इसका आप कर लोगे, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो आपको करना है और आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल के भी दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टाइट है ना, और इसको करने के लिए देखो जैसे मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, देखो जैसे 1 की पावर 99, 2 की पावर 98, 3 की पावर 97, राइट है ना, 99 के पावर 1, ठीक है, आप ध्यान से समझना, राइट, या 2 की पावर 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10 और 11, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो भाई इसको करोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, राइट है ना, या आप मान लो 1, 2, 3 के पावर 1, 2, 4, राइट है ना, 1, 2, 5 के पावर 1, 2, 6, राइट है ना, 1, 2, 7 के पावर 1, 2, 8, राइट, या 1, 2, 9 के पावर 1, 30, राइट है ना, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जीरो। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? टफ तो नहीं हो गया आपके लिए? सर आपकी क्लास मैक्सिमम कितने बजे तक होती है प्लीज़ सर बताइए, क्योंकि मुझे मेरा टाइम टेबल सेट करना है, 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक का टाइम टेबल बना लो, फिक्स हो जाओगे, ठीक है। अरे गोल्डी भैया 1 घंटा चलती है। शेखर नंदरगी, होमवर्क है क्या? होमवर्क नहीं, अभी बताता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, देखो 5 हो, अगर 5 को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इवन नंबर का मतलब क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8। और अगर आप 5 को अगर आप किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, तो आपका यूनिक प्लेस क्या होगा, तो आपका यूनिक प्लेस डिजिट क्या होगा, समझना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ आपको, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, राइट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। सर कैन आई कॉल यू सर प्लीज? यस व्हाई नॉट, यू कैन कॉल मी ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ऑल राइट। सर फर्स्ट डे है, रीजनिंग है क्या? अभी रीजनिंग कहाँ करा रहा हूँ, ये यूनिट प्लेस डिजिट करा रहा हूँ, इससे भी टिपिकल टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पता है आपको, फैक्टोरियल वाला कराऊंगा अभी, है ना, अभी और भी क्वेश्चन, एक क्लास में और ले लूंगा इसका, ठीक है, एक क्लास में और ले लूंगा, कल नहीं, एक दो दिन बाद ले लूंगा, ठीक है, एक दो दिन बाद ले लूंगा, बस इस सीरियल वाइज में आप थोड़ा चिपक के रहना, ठीक है, ठीक है, सीरियल वाइज में, ठीक है, सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। देखो
5 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 आएगा, 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस 0 आएगा, 5 को 4 से करोगे यूनिट प्लेस 0 आएगा, ऐसे ही 5 को अगर आप 8 से करोगे यूनिट प्लेस कितना आएगा 0। जब 5 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है आएगा 0। बात समझ में आ रही है राइट है ना। अगर आप 5 को ऑड से, 5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस 5 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस 5 आएगा, ठीक है इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 5 आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, 9 पावर को और बेस को ऐड करो 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो कहीं कहीं इसके बीच में 5 की पावर 95 होगा, बोलो हाँ या ना, होगा यस या नो, होगा बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, यस या नो, होगा कि नहीं होगा, या इसी के बीच में आगे जाओगे तो हो सकता है भाई 10 की पावर में 90 भी होगा। तो भाई 5 की पावर कुछ भी हो क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है। अगर आप मान लो 2 की पावर मान लो यहाँ पे 98 है, 2 की पावर यहाँ पे, या 4 की पावर यहाँ मान लो 96 है, तो भाई 4 से करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे लास्ट में आपका 6 आएगा, यानी ये क्या होगा आपका इवन नंबर आएगा। इवन को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा आपको 0 आएगा, यानी इसका यूनिट प्लेस डिजिट आपका 0 होगा। दिस इज द लॉजिक, ये आपका लॉजिक है। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, इसलिए आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें देखो 5 की पावर कुछ भी है, देखो जैसे इसमें देखो जैसे इधर वगैरह देखो 5 की पावर कुछ भी है 5 होगा, क्या होगा 5 होगा राइट। अब देखो 4 की पावर कुछ भी है ये क्या है आपका इवन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 0 आएगा, सेकंड वाले का भी क्या आएगा 0 आएगा, आएगा 0, सेकंड वाले का भी 0 आएगा, आएगा 0। अब लास्ट वाले का कोई बता सकता है क्या आएगा, लास्ट वाले का क्या आएगा, लास्ट वाले का, लास्ट वाले का 0, लास्ट वाले का 0, देखो 0, देखो लास्ट का 0 नहीं होगा यार, अब खुद सोचो 4 से ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 पर यहां पे कितना आएगा 1 आएगा, यानी यहां भी आपका क्या आएगा ऑड आएगा, यहां आपका 5 ही आएगा, यहां भी आपका ऑड ही आएगा, यहां भी आपका क्या आएगा ऑड ही आएगा, तो 5 इंटू ऑड करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 5 ही आएगा, 5 ही आएगा ना, क्योंकि भाई 4 7 जा कितना आएगा 4 से 9 की पावर क्या है ये आपका इवन है, इसका मतलब कितना आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा राइट, 7 है 7 पावर 4 यहाँ 1 5 इंटू 1 आपका यूनिट प्लेस डिजिट आपका 5 आएगा, लास्ट का तो आपका 5 आएगा, लास्ट का तो आपका 5 आएगा। ये बात आपको दिमाग को ध्यान में रखना पड़ेगा, बेहतर तरीके से आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको फरफराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है राइट है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना राइट है ना। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि सर हमें कैसे करना है नहीं करना है, दिस योर फॉल्ट राइट, सो प्लीज़ यू डोंट हैव टू बी थिंक लाइक दिस राइट है ना। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखना। एक मैं आपको कैट लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मैं आपको कैट लेवल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 राइट है ना, और अगर मान लो 3 की पावर 4 ऐसे जाओगे 100 की पावर 4 जाओगे तो बताओ क्या है राइट। एक होगा आपका 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 राइट है ना, 123 की पावर 4 होगा, तो बताओ इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 राइट। 937 की पावर 938 939 इन्फिनिटी तक राइट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 1238 के पावर 9 10 11 12 इन्फिनिटी राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के पावर 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग है ना। टेलीग्राम लिंक को जो है सर आई हैव वॉच्ड योर 1 2 3 लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, अभी खत्म नहीं हुई क्लास में पहले बता रहा हूँ राइट है ना। सी सैट स्पेस बाय संजय कुमार शाह, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है राइट। अगर अभी भी किसी को फ्री में लेक्चर देखना है तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो राइट है ना। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, मेरा अन अकेडमी पे पेड कोर्सेस लॉन्च हो गया है ठीक है, मेरा अन अकेडमी पे जो है ये पेड कोर्सेस लॉन्च हो गया है। मैं अभी भी बताता हूँ सी सैट के लिए राइट है, जो बच्चा 3 से 4 महीने में कंप्लीट करना चाहता है मैथ्स रीजनिंग
एंड कंप्लीट सी सेट, राइट, है ना। अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन और डीआई कंप्लीट, तो भाई 15,000 रुपये फीस है। अभी डिस्काउंट के बाद लिस्ट में दिया होगा, वहां पे आपको 799 में आपको दिखेगा, वहां पे आपको मेरा कोड यूज करना है SKS10। इस कोड को यूज करते ही आपको मिल जाएगा। ये केवल और केवल आपका 1000 बच्चे के लिए ही है, राइट। और 250 बच्चे 300 बच्चे हमको लग रहा है अब तक ले लिए होंगे, तो कुछ ही सीट है खाली है। आप इसको जितना जल्दी हो उतना लेना। कंप्लीट सी सेट होगा, क्लासेस 14th August से स्टार्ट हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन मेरे प्रोफाइल पे जाकर के आप उसको चेक कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, राइट। बाकी अगर अगर आपने अनअकैडमी का ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हो, राइट, है ना, और आपने अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लिया बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड, तो आप सभी एजुकेटर की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, मेरा भी और सभी जितने भी टीचर हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अपना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव, आज के लिए क्लास इतना ही, बस कल रखते हैं। बस थोड़ा सा समझदार बना करो यार प्लीज, है ना, थोड़ा सा समझदार बना करो, राइट, है ना। अभी अनअकैडमी का क्लास भी फ्री वाली क्लास, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिसके पास टाइम नहीं है, है ना, क्योंकि कई बार वीडियो क्लासेस होती है फिर वो रिकॉर्ड हो जाता है फिर वो डिलीट हो जाता है ना, तो आप यहाँ पर अभी इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम पे आपको डायरेक्ट लिंक दीजिएगा या तो मुझे प्रोफाइल पर आप जा करके डायरेक्टली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।